नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए रहेंगे आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब यूट्यूब पे हम लोग एक नया चैनल क्रिएट करते हैं तो उसका सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका चैनल का लिंक कॉपी करते हैं और शेयर करते हैं अपने व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में और बोलते भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे हमारे दोस्त होते हैं, आपको पता है कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है, तो बोलते हैं हाँ भाई तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बट हमें पता नहीं चलता है कि कौन से फ्रेंड ने सब्सक्राइब किया, कौन से फ्रेंड ने नहीं सब्सक्राइब किया है। दोस्तों ये सब करते हैं, मैंने भी किया है। मैं अपने चैनल का लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, जहाँ पे 25 लोग है उस ग्रुप में, तो वहाँ पे मैंने लिंक शेयर किया था, उसमें से बोला भाई मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर लेना। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला हाँ मैंने सब्सक्राइब किया, लेकिन जब मैं अपने चैनल पे देखा था कि इतने सब्सक्राइबर कम क्यों है, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में तो 25-30 लोग है और यहाँ पे सब्सक्राइबर जो दिखा रहे 8-9 भी दिखा रहे, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन से दोस्त ने सब्सक्राइब किया है कौन से नहीं किया है। तो जैसे कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है, तो मैं यूट्यूब स्टूडियो में गया, वहाँ पे चेक किया कि रिसेंट सब्सक्राइबर कौन है, उसके पहले वाले जो भी सब्सक्राइबर है कौन है, किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे कौन से दोस्त ने सब्सक्राइब किया और कौन से दोस्त ने नहीं सब्सक्राइब किया। आपको भी पता करना है कि आपके कौन कौन से दोस्त ने सब्सक्राइब किया, कौन कौन से नहीं किया। इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आप ढूंढ सकते हैं कि आपके कौन से दोस्त ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा भी इसकी मत करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा के प्रेस कर देना, यहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड और टेक्निकल वीडियो मिलती है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों मैं आ चुका अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता गूगल क्रोम ब्राउजर को और वहाँ पर ऊपर टॉप पे मैं सर्च कर लेता हूँ studio.youtube.com को। और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बोल रहा है गेट द ऐप, मेरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल्ड है, तो बोल रहा है कि ये एप्लीकेशन आप यहाँ से ओपन करिए। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, ऊपर जो डॉट दिख रहा है 3 डॉट, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दे रहा है डेस्कटॉप साइड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वाइट स्टूडियो का एप्लीकेशन इस गूगल क्रोम ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे लास्ट में आपको नीचे आ जाना, एकदम नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि रिसेंट सब्सक्राइबर्स, और नीचे दिख रहा है सी ऑल, तो सी ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है आपके चैनल को लास्ट 90 डेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। अगर यहाँ पे आपको फिल्टर का भी ऑप्शन दे रहा है, आप फिल्टर करके भी देख सकते हैं कि लास्ट 28 डेज से कितने लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और आपको देखना है ये फिल्टर करके कि लाइफ टाइम, मतलब कि आपने जब से चैनल बनाया है तब से लेके अब तक कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों कि मेरे चैनल को अभी तक कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। यहाँ पे पूरा आप उनके चैनल का नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गएंगे कि आपको कहां से देखना है कि किसने सब्सक्राइब किया है आपके चैनल को। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, अपना ध्यान रखना, खुश रहना। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।